गाइस, इससे पहले वाले व्लॉग में फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि हम होटल जाने वाले हैं कोरोना आर्क से वापस आकर चेकिंग करेंगे। तो चलिए होटल चलते हैं। इसका नाम है रेड स्टोन इन, मोएब सिटी है ये यूटा में और वहाँ पड़ता है। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी और ये देखिए होटल में हम बस पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इवनिंग का हो रहा है 4 o'clock और वो देखिए होटल है। बस चेकिंग करके अंदर देखने जा रहे हैं कि कैसा है। अभी मैं कार में हूँ, बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है क्योंकि यहाँ पर छुट्टियों में लोग घूमने के लिए आते हैं काफ़ी दूर दूर से, इससे पहले ही बताया था। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा होटल है, क्या है इसमें, अंदर क्या क्या दिया है इन्होंने। तो अगर मैं चार्ज बताऊँ तो 2 nights का इन्होंने $800 लिया था और कोई होटल मिल नहीं रहा था, बट ठीक है, बेस्ट था ये होटल। तो आइए अंदर चलिए और आपको दिखाती हूँ होटल में क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं इन्होंने। ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गए हम लोग। और ये देखिए एकदम लग रहा है कश्मीर हम लोग बोट में बनाया हुआ है। बाथरूम है इसमें। वाह, इतनी छोटी सी जगह में इतना बढ़िया होटल, वाकई में क्या मास्टरमाइंड यूज किया। और पूरा प्रॉपर लकड़ी का, ये देखिए ये मैप है यहाँ का। क्या किचन है यार, इसकी लाइट कहाँ जलती है, ये है और ये है किचन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इसकी वजह से हमें ये होटल मोहन लिया है, बट बेस्ट है। ये इंटरलॉक है, ये लॉकर है यहाँ का, और कोई भी आपके पास आइटम है तो आप रख सकते हो उसमें। ये किचन लैम्प एंड एसी, ऐसा एसी हम लोग पास दिल्ली में था ना, वो वाला छोटा वाला। तो देखो मुझे कश्मीर की याद आ गई पक्का। वैसे भी घर पे तो हम लोग बहुत आराम करते हैं, लेकिन होटल अगर मिल जाए ऐसा कॉटेज वाली फीलिंग। अच्छा, और ये है वॉशरूम, छोटा है पर बहुत मैनेजेबल है। सबसे पहले हैंड वॉश, कोरोना टाइम में हैंड वॉश। तो टेक इट हैंड वॉश एंड टिश्यू पेपर। तो टॉवेल, वाव टॉवेल टांगने का तो वाकई बहुत अच्छा स्टाइल। देखो यहाँ पे भी टॉवेल है, यहाँ पे बाथ टॉवेल है, इन्होंने भी किचन टॉवेल है, बहुत ही टॉवेल है। और ये लैंप ऑन हो गया है, यहाँ पर है टेबल एंड कुछ बुक्स हैं, कुछ मेन्यू है यहाँ पर, एसी है, साथ में दो बेड है। तो मुझे तो और ये है कि यहाँ पर बीच में टेबल एंड फोन, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए तो इफ यू वांट कैन कॉल। और ये लकड़ी का, वाह छोटी जगह में कितना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है ना। ये देखिए यहाँ पर आप कपड़े अपने हैंग कर सकते हैं इसको। टीवी, एसी भी है एंड चेयर, साथ में यहाँ पर हमें दिया है आयरन बोर्ड, आयरन प्लस ड्रॉअर लग रहा है मुझे हैंग। और हम कोरोना आग से आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो बस होटल में चेकिंग किया। और तो डिनर में आज मैं बनाने जा रही हूँ होटल में खिचड़ी। सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जी हाँ, जब हम पैकिंग कर रहे थे तो हमने राइस कुकर रख लिया था, इलेक्ट्रिक राइस कुकर। और आप भी कहीं जाए ना बाहर तो ये ज़रूर खरीद लें, बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये ले लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और थोड़ा सा घर का आइटम भी मिल जाएगा आपको फ्रेश खाने के लिए। तो हमने बच्चों के लिए बना लिया। और अभी हमारे पास सामान था, ये देखिए खाने के लिए ले गए थे हम कुछ कोल्ड ड्रिंक थी हमारे पास, इग्लू है मीन्स आइस बॉक्स, उसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक फ्रूट जूस वगैरह थे, कॉफ़ी थी, पूरा फ्रिज भरा हुआ है, फ्रूट है, मिल्क है, वॉट एवर बहुत सारी चीज़ें थी। बट बच्चों को डिनर खाना था घर जैसा, तो हमने फिर बॉयल किया खिचड़ी और खाई। ये देखिए जूस और बच्चे खा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा, देसी खाने की तो बात ही कुछ अलग है। चलिए नाइट का खाना हो गया, तो डिनर हमारा हो गया है फिनिश। तो बाहर वॉक करने आ गई, थोड़ा सा आपको सोचा बाहर का दिखा दूँ, बट बाहर बहुत डार्क है। यहाँ पर आप स्विमिंग पूल है तो वहाँ जाकर आराम से आप स्विमिंग पूल में
गर्म और ठंडा पानी है, बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग सेकेंड डे मॉर्निंग हो चुकी है और हम रेडी हो चुके हैं, कार में बैठ चुके हैं आर्चेस नेशनल पार्क की ट्रैकिंग के लिए। सारा सामान गाड़ी में रख लिया है और अभी यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए उजाला नहीं हुआ है, यहाँ पर हो रहा है 6:30 मॉर्निंग का, सनराइज नहीं हुआ है अभी और वहाँ जल्दी पहुँचना है, नहीं तो हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। तो इस ब्लॉग को मैं कितना ही छोटा करूं फिर भी ये बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को इसमें मिलेगी, तो इस वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने शायद ना देखी हूँ। बहुत प्यारा वारा ये ट्रिप है 2 डेज़ का, तो मैंने सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलिए और ये देखिए सुंदर प्यारे प्यारे नज़ारे। और मैं बताना चाहूँगी ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ों की जो कटिंग है, किसी ने नहीं बनाई है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। और ये फिर से बताना चाहूँगी, हवा और पानी से करोड़ों सालों से ऐसे ही कट कर करके अपना रूप ले रहे हैं ये, तो किसी मैन मेड द्वारा नहीं बनाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे नज़ारे हैं, आप देखते रहिए। और अब चलते हैं मेन अट्रैक्शन जो हमारा है, आइए पहुँचते हैं वहाँ पर, आपको दिखाते हैं, एंजॉय करिए इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर विजिटर सेंटर है और यहाँ पर हमें टिकट लेना होगा, बट यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ये US है। अगर आप नहीं भी देंगे यहाँ पर, आपसे नहीं लिया है, तो ये ऑनलाइन आपके घर भेज देंगे, बाद में आप ऑनलाइन पेमेंट करते रहिएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये टिकट के लिए हमसे बाद में भी ले लेंगे। तो चलिए अंदर चल रहे हैं हम, कार जहाँ पार्किंग होगी वहाँ पर हम इसे कार को पार्क कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग। तो हमने कार पार्क कर दिया है और ये देखिए ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पर, बट हमें यहीं पे पार्क करना था और हमने पार्क कर दिया। ये है मेन अट्रैक्शन जहाँ हमें जाना है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं रास्ते में, तो आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, और ये वाला व्लॉग ना बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो चलिए हम लोगों ने सारा सामान ले लिया है, वाटर बॉटल ले ली, गर्मी भी हो रही है यार, सनस्क्रीन लोशन तो लगाना बनता है, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर स्किन हमारी पूरी बर्न हो जाती है, तो सनस्क्रीन लोशन ले लिया है। अभी तो मॉर्निंग है, थोड़ी ठंड है, बट अभी जब हम ऊपर ट्रैकिंग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है आगे, ओ माय गॉड, यहाँ तो दिख रही है भीड़। अभी मास्क तो रखा हुआ है बैग में, फिर भी देखते हैं, सेफ्टी के साथ हैं। वो तो मॉर्निंग 6:30 हम निकले थे और आते आते 7:30 हो गया, एटलीस्ट पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली हमें और डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं हम, सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। जब कोई आता था तो हम थोड़ा सा रुक जाते थे, देन फिर स्टार्ट हो जाते थे। तो चलिए तैयारी के साथ बढ़ते हैं आगे। रियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ का रास्ता है, और ये देखिए ये आर्क हैं और इसकी जो चढ़ाई है ना, मैं क्या कहूँ, माई गॉड, मतलब एक पैर अगर नीचे जाता, ये देखिए कितना ज़्यादा गहराई है, तो गिर जाते। तो वही था बस, कैमरा और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, देखिए कितनी पतली रास्ता है ये, सब चढ़ रहे हैं और एकदम स्ट्रेट था ये, तो बहुत केयरफुली होकर हमें जाना था वहाँ तक। और वहाँ जाते जाते तो हमारी एकदम हालत, तो साथ में ये तो अपने डॉगी लेके चले जाते हैं, और ये देखिए इनको, ये एक वहाँ से यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा है इनका, तो वहाँ पर वो स्पेशली जा रहे हैं। चलिए मस्ती करते हैं, आप भी हमारे साथ इंजॉय करते रहिए इस व्लॉग में, और देखिए अमेरिका का ये सुपर डुपर फेमस प्लेस, जहाँ पर आप नहीं गए हैं बट मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो
मिस मत करिएगा और हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो इंसान यहाँ पर डॉगी भी आ गए हैं, ढेर सारे डॉगी हैं और बहुत मुश्किल है यहाँ पर, ज़्यादा देर आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये एकदम स्लाइडिंग की तरह बना हुआ है और ये जो आर्क है ऐसी जगह है कि वहाँ पर वन पर्सन ही जा सकता है, वो भी हाथ पकड़ के, बहुत रिस्की है। तो हमने कुछ पिक्चर्स ले ली, कुछ वीडियो ले लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, गैदरिंग बहुत थी तो हमें थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना था। तो आइए आप भी देख लीजिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आपने कभी नहीं देखा होगा, तो मैं आपको आज का ये व्लॉग इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करें। आइए आपको बताते हैं, ये है डेलिकेट आर्क, आर्चिस नेशनल पार्क है इसका नाम और इसके अंदर डेलिकेट आर्क के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे आर्क हैं बट ये एकदम अलग ही टाइप का आर्क है और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताती हूँ। 45 फीट 13.7 मीटर हाइट एंड 33 फीट 10 मीटर वाइड है। तो ये नेचुरल तरीके से बन रहा है और ऐसे ही करोड़ों सालों से कट कट कर हवा से पानी से ये अपना आकार ले रहा है। तो बहुत सारे आर्क हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर ऐसे आर्क बहुत सारे देखने को मिलेंगे बट ये जो है बहुत ही फेमस है, ऑसम है। मैं जब यहाँ पर आई तो रियली थोड़ी देर के लिए तो मेरी आंखें एकदम खुली खुली रह गई, क्या ऐसा भी पॉसिबल है रियली। तो बस हम तो इन्जॉय कर रहे थे और आपने इन्जॉय किया या नहीं किया तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वाला व्लॉग ना कैसा लग रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखा सकूँ। तो आइए एंजॉय करिए हमारे साथ। सो डेलिकेट आर्क से हम वापस आ चुके हैं और हमें आने में लग गए 3 से 4 घंटे कि ऊपर से हमें उतरते उतरते नीचे हो गई है शाम और यहाँ पर हो रहा है 8 o'clock और हमें भूख लग रही है क्योंकि हमने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, बिस्किट ही खाए थे पूरे दिन में। और अब हम इंडियन रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, हमने सर्च किया तो हमें मिल गया और यहाँ पर हम डिनर पैक करवा रहे हैं। तो डिनर में हम ले रहे हैं यहाँ पर दाल मखनी, कढ़ाई पनीर एंड नान, नॉर्मल से है क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना है वापस घर। तो ये देखिए रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, डेकोरेशन यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान है। ये है डिनर जो हमने लिया है, कैसा लग रहा है, यम्मी है ना डिनर। तो मॉर्निंग हो चुकी, गुड मॉर्निंग, और हम रेडी हो चुके हैं वापस घर के लिए। थर्ड डे है आज, डे ऑफ थर्ड। तो वापस जाते समय जो भी अट्रैक्शन पड़ेंगे रास्ते में या फिर कुछ और थोड़ा बहुत घूमने वाला होगा तो घूमेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप भी देखते रहिएगा इस ब्लॉग को। और वापस आते वक्त यहाँ पर एक और ट्रेल मिल गई तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पर पिक्चर वगैरह ले रहे थे तो हमने कहा चलिए हम भी देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन था और काफ़ी ऊंचाई पे थे, 3 से 4-5 माइल की ट्रैकिंग थी। तो हम लोग बैठे 5-10 मिनट वहाँ पर इंजॉय किया, ऐसा हमें आधे घंटे हो गए क्योंकि आने जाने में आधा घंटा तो लगता ही है चढ़ने उतरने में। और ये देखिए नीचे का, यहाँ पर बाइक रेस चल रही थी और जो रेस वाली कार होती है यहाँ रेस करते हैं नीचे, वो रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक था। और ये पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, वाह पीछे का सीन तो ऑसम। और ये यहाँ पर है, इसके बारे में लिखा हो RRR, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्लीज़ बिना देखे मत नाइस और गुड लिख दीजिएगा, प्लीज़ 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 थोड़ी सी कद्र कर लीजिएगा मेहनत की। और ब्यूटीफुल, ओनली ब्यूटीफुल शेयरिंग, नाइस सिर्फ मत लिखा करिए, जैसा आपको लगा हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो इस व्लॉग में हमें आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे भी दिखाते हैं आपको हम, यहाँ पर एक पेट्रोग्राफी है जो कि उस टाइम पे कुछ लोग यहाँ पर आए थे, रुके थे, उन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी करी थी पत्थरों पे, तो रियली बहुत ही ऑसम अमेजिंग सीन था। तो आपको भी दिखाते, ये है वो चित्रकारी जो करोड़ों साल पहले यहाँ पर लोग आए थे और रुके थे, उन्होंने यहाँ पर चित्रकारी की थी, है ना ऑसम। तो आप भी इंजॉय करते रहिए इस व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।
कहीं खाए अगर कोई नीचे गया तो मिलेगा। ये भगवान पिक्चर में ऐसे ही सीन आते हैं सेम। वो गाड़ियाँ नीचे दिख रही होंगी आप लोगों को, ये टू रोड है, बहुत डेंजर वाला सीन है। तो मिलेगा।